देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूरे प्रदेश सहित ग्वालियर में भी राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भाजपा ने की है। आपको बता दें, ग्वालियर SP ऑफिस में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया और प्रदेश सरकार की ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ग्वालियर SP को FIR के शिकायती ज्ञापन दिया। वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का कहना है कि राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, शशि थरूर सहित अन्य कांग्रेस नेता लगातार देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर ज्ञापन के माध्यम से FIR दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि भाजपा द्वारा दिए ज्ञापन पर ग्वालियर के प्रभारी SP राकेश कुमार सगर का कहना है कि ज्ञापन में जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर वैधानिक जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जिस तरह से कुछ समय से भारत के प्रधानमंत्री जी यानी 140 करोड़ भारतीयों के प्रतीक श्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, असभ्य और अभद्रतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जाति सूचक शब्द बोले जा रहे हैं, तो इसके विरुद्ध आज भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है कि राहुल जी से लेकर खड़गे जी, चिदंबरम जी, शशि थरूर जी, उनके तमाम नेताओं ने रावण, गंदी नाली का कीड़ा, OBC कहकर समाज सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल, मौत का सौदागर उनकी माता जी ने कहा, तो ये जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, किसी प्रजातंत्र में ये शब्द, इन शब्दों की अनुमति नहीं हो सकती है। हमने उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। आज भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर महानगर के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, इसमें राहुल गांधी के द्वारा सर्वोच्च संज्ञान पत्र रखते हुए जो माननीय प्रधानमंत्री का अपमान किया है, उस संबंध में एक ज्ञापन दिया है और इस पर हम लोग पूरा परीक्षण कर इसमें कार्रवाई